नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आप मानको स्वागत करुची भाग्य भविष्यत लाइफ को। दर्शक बंधु, आप मानकर प्रश्न, आप मानकर समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्यत। आपण मानकर जित प्रश्न रहुची, समस्या रहुची, तले स्क्रीन ने फ्लाश होतवा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपनकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान कहंतु। दर्शक बंधु, जमती कि आपने जानते, प्रत्येक दिन आम किसी विषय पर आलोचना करतमान समय बहुत पर आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपण को कमी मिल पार कौन अच्छे आप जतक सुख के मेरेज हम कमी लाइफ पार्टनर आपर स्वभाव चरित्र केमती रपं सहित केते मैच कर से सब जिन को देखते आलोचना करना। बहुत समय आप प्रश्न रोच आपंक जतक लव म्यारेजर जोग अच्छे कि किंबा अरेंज मैरेज आपे से सब जिन को लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट हो मन भितर से सब जिन को लेकिन आलोचना करतक हिं देखुं लग्न को देखुं कहीं लग्न आप स्वभाव सेकेंड हाउस को देखुं कहीं सेकेंड हाउस आप कथबार्ता फोर्थ हाउस मानसिक स्थिति डोमेस्टिक हैप्पीनेस एवं सेभेन्थ हाउस आपमती लाइफ पार्टनर मिल पारे लाइफ पार्टनर को ट्रेड केमती र एवं एट्थ हाउस जहाँ भी आप मैरेज करेंगे मैरेज लाइफ लॉन्गेविटी केमती रुवेल्थ हाउस स्वामी स्त्री मध्य जहाँ भी बंडिंग रहा भी संपर्क संबंध स्थापन करेंगे ट्वेल्थ हाउस को विशेष भाव में देखा दरकार। ये हाउस मानक कौन ग्रह मान प्रभाव रोचे जदि अधिका शुभ ग्रह प्रभाव रोचे शुक्र चंद्र बृहस्पति एवं बुध जदि स्वगृह अवस्था रोचा उच्च अवस्था रोचा ये हाउस मानक बहुत भाला आटीच्यूड रहा बहुत भल पर आप जन्मग्रहण कर बहुत भल मानसिक स्थिति आपं रहा बहुत भल लाइफ पार्टनर मध्य आपर स्वामी स्त्री मध्य उत्तम बुझाणा रहीपर एवं मैरेज लाइफ बहुत भल लॉन्गेविटी आसपार जदि अधिका पापग्रह प्रभाव रोचे मंगल शनि राहु केतु पापग्रह कंजक्शन बनुच्छे मंगल शनि मंगल राहु मंगल केतु जदि कंजक्शन बनुच्छे लग्न सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस सेभेन्थ हाउस एट्थ हाउस एवं ट्वेल्थ हाउस तेल आपड़ स्ट्रगल करेंगे मैरेज लाइफ अशांति क्रिएट हो मैरेज को लेकिन विलंब आसीज एवं स्वामी स्त्री मध्य उत्तम बुझाणा रही पारना आप स्ट्रगल करेंगे से जतक को चेक करवा दरकार कौन जतक जोग अच्छे मैरेज के आपंकर कहीं हाउस मानक अधिका पापग्रह प्रभाव रोचे तेल मैरेज पर अहेतुक विलंब हो जाए जहाँ भी प्रस्ताव आपंटे से हिसाब से प्रस्ताव आसी पारे ना जहाँ भी प्रस्ताव आसो आप ठीक भाव में प्रोसेस हो पार ना और शेष मुहूर्त में भांगी जब जड़े कल जोड़ सहित कथ हाँ हेलो हेलो आज्ञा कहतु क्या विषय जानवे कहतु आप जन्म तारीख मार्च मार्च उन्नीस बयानबे जन्म समय कहतु जन्मस्थान कहतु देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट कौन जाने चाहते आपण आपण को विषय रे मु तो सर एबे जॉब रे अछि कि हमर अच्छा बहुत मन लागि पिले ट्रांसफर होई परबो कि से से जाने चाहो अच्छा अच्छा ठीक अछि आ आपण जहां भी जॉब करचोती ट्रांसफर पर आपण चिंता करचोती चेष्टा मध्ये करचोती केते सक्सेस मिलि परबो आपण को से देखा आप लग्न केमती रोचे जहाँ भी लाइफ परिश्रम करते परिश्रम रिजल्ट आपको मिल पार कहीं लग्न आपे आप स्वभाव आपश्रम जहाँ भी लाइफ एचिवमेंट पाए से लग्न को देखा जाए जेहेतु लग्न रोच वृष लग्न पृथ्वी तत्व लग्न आप लग्नाधिपति शुक्र आप टेन्थ हाउस पोजिशन रखुच्छे आप राशि रोच कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि आपंकर चौबीस बै एगार जेहेतु कुंभ राशि लॉर्ड शनि विलंबर क्यारेक्टर शनि भाग्याधिपति कि भाग्य स्थान में पसंद होती भाग्यर सपोर्ट आपको मिल पार नहीं अधिका विलंबर शिकार होती आप प्रत्येक कार्य विलंब लक्ष्य करा कर विलंब होती जहाँ भी आप मेच्योर पाइबे वर्तमान समय आप ट्रांसफर पर चिंता करेषा कर ट्रांसफर बहुत भल जोग आपको आसपार आगे बहुत भल समय रोच अठर जुलाई 2022 पर देखो तो ट्रांसफर आपपर जहाँ भी इच्छा अच्छी जहाँ भी डिजायर अच्छी से हिसाब से आपर
बहुत भल सर्विस आपको ग्रोथ मध्य मिल पार सर्विस बेटरमेंट पर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड मिडिल फिंगर व्हाइट सफायर पिंधतु और राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पान्ना पिंधतु जेहेतु आप जातक बुधादित्य योग अच्छी सूर्यपुत्र कंजक्शन हो बुधस्त अच्छे से जहाँ भी लाइफ डिसीजन नौ देखी चाहिए डिसीजन नियंतु राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पान्ना पिंधतु आपंकर फिनान्शियल ग्रोथ एवं लाइफ अचीवमेंट बहुत पॉजिटिव रही है। ब्लैक कलर को टोटल एवॉइड करंतु, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर एवं सिल्वर कलर को अधिक यूज करंतु। बहुत भल फ्यूचर अच्छी, बहुत भल सक्सेस मिल पार आपको। तो दर्शक बंधु देखुं आप जातक कहीं बहुत समय प्रश्न आज को लेकिन बहुत को लेकिन बहुत आपंकर बयस हो जाए कि हिसाब से आप प्रस्ताव ठीक भाव में पाईपार प्रस्ताव मध्य ठीक भाव आसी पारना से आपको चिंता रोचे जातक कौन एम जुग अच्छी मेरेज पर जहाँ चाहूँ जो समय आप मेरेज पर चिंता करना अदिका स्ट्रगल कर पितामाता चिंता बढ़ जाऊँगी कहीं आप जातक कौन एमती जुग अच्छी जहाँ भी प्रस्ताव आसवा कथा आपंपाई आपं पाखे जहाँ भी योग्यता अच्छी से हिसाब से बहुत भल पात्र आपको मिल पार ना से देखुं मेरेज हाउस को विशेषकर मेरेज हाउस केप प्रभाव पड़े जदि अधिका पाप ग्रह प्रभाव पड़े मेरेज हाउस स्ट्रगल करेंगे ठीक भाव आपको प्रस्ताव आसी पार ना और पाप ग्रह जब दशा चली अधिका स्ट्रगल हम आपको अधिका विलंब हो मेरेज आउ जन कल जोड़ सहित कथा हेलो नमस्कार कहतु क्या विशेष आ सर मोहन जे विषय जाने पे जाऊं जी कोन तू आपन को जन्म तारीख सर 24 नवंबर 1996 आज्ञा समय कोन तू टाइम होची गोटे 13 दिन कि राती दिन गोटे 13 जन्म स्थान कोन तू जाजपुर कौन जाने चाहती आप विषय अच्छा कौन पढ़ापढ़ी सर्विस अच्छा टीचिंग लाइन में इच्छा रखुचंती ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी प्रश्न रखुंत विशेषकर सर्विस को लेकिन अधिका चिंता रोचे आपतर जेहतु लग्न रोचे आप कुंभ लग्न वायुतत्व लग्न आप लग्नाधिपति शनि आप घरस्कोप जेहतु सेकेंड हाउस बक्री अच्छी सर्विस कारग्रह शनि जेहतु सेकेंड हाउस बक्री अच्छी केतु सहित कंजक्शन करुच्ची अधिका परिश्रम करा पड़ो अधिका विलंब हो सर्विस पाइबापी जहाँ भी परिश्रम कर शेष मुहूर्त आपंकर जहाँ भी एक्जाम से लिखुंत कम्पिटेटिव एक्जाम को लिखुं शेष मुहूर्त आपंट कम मार्जिन में कटि जाऊँगी आपको टेन्थ हाउस देखा सर्विस हाउस टेन्थ हाउस लॉर्ड मंगल आपस्कोप जेहेतु सेभेन्थ हाउस सिंह राशि पोषण नौ बहुत भल सर्विस अपर्चुनिटी आपको मिल पार कि वर्तमान समय चलती राहु बृहस्पति शनि आग को बहुत भल समय आहुत भल सर्विस आपर जहाँ भी परिश्रम करम आप जारी रखु 5 फरवरी 2023 पर आपंकर जहाँ भी योग्यता अच्छी जहाँ भी परिश्रम आपंट से हिसाब से बहुत भल सर्विस अपर्चुनिटी आपको मिल पार कि अधिका परिश्रम आप जारी रखु परिश्रम हिसाब से आपको ही सर्विस मिल पार सर्विस फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड मिडिल फिंगर व्हाइट सफायर पिंधतु और राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे ब्लू मून पिंधतु कहीं आपको राशि रोचे मेष राशि कृतिका नक्षत्र मेष राशि आप 3/1 जेहतु मेष राशि लॉर्ड मंगल आप सेभेन्थ हाउस पोषण नौ आकस्मिक भाव में किसी ना कि घटना दुर्घटना शिकार एग्रेसन आसी जाऊँ आपको मन भितर अस्थिरता आसी जाऊँ मन भितर डर आसी जाऊँ कन्फ्यूजन शिकार होती आप प्रॉपर्ली लाइफ डिसीजन नहीं पारना करेंगे कि करेंगे ना द्वंद्व आसी जाऊँ आपको मन भितर से प्रत्येक सोमवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ात आप नाम को तरह और 27 दुब सर्व बाधा प्रशमन्नम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवमेव तुया कार्यम मस्मत वैरी विनाशनम ए मंत्र रे 27 दुब आप नाम सोल्ड सोमवार आप बहुत भल रिजल्ट आपे बहुत भल सक्सेस आपको मिल पार ब्लैक कलर को टोटल एवॉइड करूँ ग्रीन कलर सिल्वर कलर व्हाइट कलर एवं येलो कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस
मिल पार आपण को तो दर्शक बंधु देखुं आलोचना कराईक बहुत समय कन्फ्यूजन आसान मेरेज पर मेरेज अहेतुक विलंब हो जाए कहीं आप जतक चेक करूँ जतक कौन जो अच्छे मेरेज पर कहीं जहाँ भी आप मेरेज करेंगे समय कौन चलती वर्तमान समय जदि पॉजिटिव प्लानेट दशा चलती आपतक शुभ ग्रह प्रभाव अच्छी मेरेज हाउस पर शुभ ग्रह दशा मत चलुच कि चलबार अच्छे निकट भविष्य में आपण मेरेज हो पार शीघ्र कितु जदि पापग्रह दशा चलुच कि चलबार अच्छे निकट भविष्य में पापग्रह प्रभाव रोचे मेरेज हाउस विशेषकर लग्न सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस सेभेन्थ हाउस एइथ हाउस ट्वेल्थ हाउस मंगल शनि राहु क्षेत्र प्रभाव अच्छे दशा मत चलुच तेल आप स्ट्रगल करेंगे मेरेज पर बयस हो सत्वे आप मेरेज हो पार ना जहाँ भी प्रोसेस करेंगे जहाँ भी प्रस्ताव आपको आसव भांगी आप स्ट्रगल करेंगे आउ जन कला जोड़ सहित कथ हेलो नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे कहतु झील जन्म तारीख पांच एप्रिल सर भोर चार्टा पांच एप्रिल तो अच्छा भोर के कहले पांचटा चार पैंचाश जन्मस्थान कहतु पुरी सका पांच तारीख रोज तो ठीक अच्छे आज जहाँ भी चाहते जानापी विशेष सर्विस मेरेज पर जानक चाहते जेहतु लग्न रोचे आप मीन लग्न जल तत्व लग्न आपथिकाल लग्न एवं सेंटिमेंटर लग्न लग्नाधिपति बृहस्पति लग्न पोषण नौ सूर्य सहित कंजक्शन करुच्च बहुत भल पा अधिका सफ्ट नेचर पिला रोचे और स्ट्रेट फॉरवर्ड मध्य रोचे प्रत्येक समय न्याय पथ अनुसरण कर प्रत्येक व्यक्ति सहित न्याय करने चेष्टा कर परोपकार नेचर मध्य रोचे अधिकार जस्टिस रखुच्छी वर्तमान समय जो देखा आप जतक बुधरे सूर्य चलिए आप राशि रोच विचार राशि अनुराधा नक्षत्र विचार राशि रोचे सतर बै आठ जेहतु विचार राशि लॉर्ड मंगल आप एट हाउस बकरी अच्छी से स्वभाव में किसी ना कि टेढ़ापन हो कि चित्खोर स्वभाव पिला भितर एवं मानसिक अस्थिरता रोचे मन भितर अधिका कन्फ्यूजन आसनेस आसग्रता आस किसी ना कि डिसीजन नहीं जाऊँच जोटा कि नेगेटिव हो जाए लॉस हो जाए एवं जॉब पर जहाँ भी आप चाहते विशेषकर टीचिंग लाइन में सर्विस कहीं एजुकेशन कार्यक्रम टीचिंग कार्यक्रम बृहस्पति आप बहुत स्ट्रंग अच्छे लग्नाधिपति कि लग्न पोषण हो नवांश्रे धनुराशि बृहस्पति पोषण हो बहुत स्ट्रंग अच्छे आप सर्विस लाइन विशेषकर टीचिंग लाइन आप सर्विस करेंगे बहुत भल समय आप आग को आसब 2023 जनवरी पर 19 जनवरी 2023 पर बहुत भल सर्विस अपॉर्चुनिटी आपको मिल पार जहाँ भी पढ़ापढ़ी कर बहुत भल सर्विस किंतु मेरेज पर आपको प्रश्न हो सेभेन्थ हाउस को फोकस करवा सेभेन्थ हाउस लॉर्ड बुध आप जेहतु ट्वेल्थ हाउस पसंद हो नवांश मिथुन मस पसंद हो मेरेज हो पार मेरेजर बहुत भल समय आसो आप 2023 जून पर 19 जून 2023 पर बहुत भल समय आज आप मेरेज हो पार घर टू उत्तर पूर्व दिग्गर आप मेरेज हम एवं मेरेज पार्टनर मध्य गवर्नमेंट सर्विस करेंगे बहुत भल स्वभाव बहुत भल चरित्र बहुत भल व्यक्ति विशेष रही से एवं मेरेज लाइफ बहुत भल कटिपर आप मेरेज पर फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर येलो सफायर पिंधतु और राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे ब्लू मून पिंधतु कहीं मानसिक स्थिरता अधिक रोचे लाइफ में प्रपर डिसीजन नहीं पार ना ब्लैक कलर को टोटाल एवॉइड करूँ ग्रीन कलर व्हाइट कलर येलो कलर एवं सिल्वर कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस पाई आप दर्शक बंधु जमीक आलोचना करवाह को लेकिन मेरेज को लेकिन अधिका प्रश्न आस कहीं आप पिलार मेरेजर बयस हो जाए कि मेरेज पर जहाँ भी आप प्रस्ताव चाहूँ से हिसाब से प्रस्ताव आसपार ना
ଏବଂ ଯାହା ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କ'ଣ କାରଣ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସମୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦଶାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, କେଉଁ ଗ୍ରହର ଦଶା ଚାଲିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଗ୍ରହର ଦଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁଭଗ୍ରହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶୁଭଗ୍ରହର ଦଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, କେଉଁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଝିଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, 1997। ସେପ୍ଟେମ୍ବର କେତେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିବେ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1997। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 4:50 ଅପରାହ୍ନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ବିବାହକୁ ନେଇକି, ବିବାହ କେବେ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 24/11, ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲର୍ଡ ଶନି ବିଳମ୍ବର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅଛି ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ର ଶିକାର ହେଉଛି, ଅଧିକା ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ପିଲା ରହୁଛି, ଜିଦ୍ଘୋର ପ୍ରକୃତିର ରହୁଛି ପିଲା, ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପିଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହକୁ ନେଇକି, ବିବାହର ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ନେଉଛି ଏବଂ ରାହୁ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ କେତୁର ଏକ୍ସିସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ବିଳମ୍ବର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 12th ହାଉସ୍ରେ ନିଚ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ, 15 March 2023 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଘରଠୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ରାହୁ କେତୁର ଏକ୍ସିସ୍ ଏବଂ ଶନି ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ଅଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ହୋଇକି, ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱାମୀ କାରକଗ୍ରହ ବକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ବିଶେଷ କରି ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ହେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ, ଯଥାତମ୍ ଶଙ୍କର ପ୍ରିୟା, ତଥା ମାମ୍ ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣୀ, କାନ୍ତା କାନ୍ତା ସୁଦୁର୍ଲଭାମ୍, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ପାଇପାରିବ ପିଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନମସ୍କାର, ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 26/12/2006। 26 December 2006। ହ୍ୟାଲୋ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ। ହ୍ୟାଲୋ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଲାଇନ୍ ହେଲେ ଭଲ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଏକ୍ସାମ୍ ସେ ଲେଖିଛନ�ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ,
ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର କରିବେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଯେହେତୁ 8th ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଅଧିକା ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ରହୁଛି ପିଲାର, ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ପିଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ରହୁଛି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଡର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବା କଥା ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, କନସେନଟ୍ରେସନ ଅଭାବ ରଖୁଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଜାତକରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି ଶନିରେ ଶୁକ୍ର, ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲେଖିଛି ପିଲା ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା 6th ହାଉସ୍ରେ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାହା ବି ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଦଶା ଚାଲିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶନିରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଶନିରେ ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିବାର ଅଛି। 20 ଜାନୁଆରୀ 2023 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଜୁକେସନ୍ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବା କଥା ସେହି ହିସାବରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକା ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଯାଉଛି, ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, 27ଟି ଧୂପ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ନାମଗତ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ସର୍ବବାଧା ପ୍ରସମନ୍ନମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେ ସାଖିଲେଶ୍ୱରୀ ଏବମେବ ତୟା କାର୍ଯ୍ୟମ ମସ୍ମତ୍ ବୈରି ବିନାଶନମ, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ 27ଟି ଧୂପ ପିଲାର ନାମଗତ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ପିଲାକୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗୁଛି ବିବାହ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଛି ପିଲାର, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ଅଛି, ପିଲାର ଡେଷ୍ଟିନି ଯାହା ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଯାହା ବି ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହିଁ ହେବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ 2nd ହାଉସ୍ 4th ହାଉସ୍ 7th ହାଉସ୍ 8th ହାଉସ୍ 12th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଅଧିକା ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ବକ୍ରି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବିଶେଷ କରି ବିଳମ୍ବର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ଏ ହାଉସ୍ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ବକ୍ରି ଅଛି, ତାହେଲେ ବିବାହରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ଆସିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆସିଥାଏ ସେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗୁଛି, ସମୟ କେବେ ହେବ, ସମୟ କେବେ ଆସିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନାଧିପତିର ଦଶା, 7th ହାଉସ୍ର ଦଶା 4th ହାଉସ୍ର ଦଶା ଏବଂ 12th ହାଉସ୍ର ଦଶା ଯଦି ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା ଚାଲିବାର ଅଛି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଲିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିର ଯେତେବେଳେ ଡବଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଚାଲିଅଛି, ଗୋଚର କରୁଛି ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ କିମ୍ବା 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ, କିମ୍ବା ଶନି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ କରୁଛି, ଗୋଚର କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାତକରେ ବିଶେଷ ଯୋଗ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ମିଳିବେ, 7th ହାଉସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ, 7th ହାଉସ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ରହିବ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଥ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗକୁ ନେଇକି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ ବିବାହକୁ ନେଇକି, ଆଜି ସମୟ ହୋଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।